हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। कैलकुलेटर तो भी फास्ट मल्टीप्लीकेशन किस तरीके करनी है वो अज असी सीखांगे। पार्ट सैकंड करन जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट असी ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन्हें नहीं देखे वो पहले पार्ट फर्स्ट देखो। मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बना देनी है, बहुत सारे लैक्चर मैं अपलोड करन जा रहा जिदे विच कैलकुलेटर तो भी फास्ट मल्टीप्लीकेशन, कैलकुलेटर तो पहला मल्टीप्लीकेशन किस तरीके करनी है, जां स्क्वेयर किस तरीके करना, क्यूब किस तरीके करना, यह सारा कुछ असी जिहड़ा वा वह आने वाली लैक्चर करांगे। सो अज तां आपां लैक्चर स्टार्ट करिए। सपोज़ करो तुसीं 12 नूं 13 दे नाल मल्टीप्लाई करना, तो करना भी बहुत फास्ट आ। तो की करना, सब तो पहला तुसीं ये देखना, देखो एक मैथड तो मैं दस चुका पार्ट फर्स्ट विच, ये हुण पार्ट सैकंड करन जा रहे हैं, बहुत ईजी। क्योंकि 12 10 दे नेड़े आ, 13 भी 10 दे नेड़े आ, 10 दे नेड़े आ, तो असीं इहनूं बेस 10 मन के चलांगे। तुसीं की करना, इहनूं बेस 10 मन के चलना, ठीक है जी, बेस 10 मन के चलना, क्योंकि 12 ते 13 10 दे बिल्कुल नेड़े आ, बिल्कुल ही नेड़े आ 10 दे। ये 10 नालों 2 ज़्यादा, ये 10 नालों 3 ज़्यादा, ये 10 नालों 2 ज़्यादा, ये 10 नालों 3 ज़्यादा। की करना, 3 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करोगे किन्ने आ जाणगे, 6। एक चीज़ का ख्याल रखना, क्योंकि बेस 10 आ, तां क्योंकि 10 दे नाल 1 0 हुंदी आ, सो एक डिजिट ही तुसीं इत्थे काउंट करोगे। ओके, उस तों बाद तुसीं की करना, चाहे तुसीं 12 च 3 ऐड कर लो, चाहे 13 च 2 ऐड कर लो, रहने 15 ही आ, 15 ही होणगे, 12 3 15, 13 ते 2 15, वह इत्थे लगा दोगे, ये साडा आ जाएगा आंसर। इन्ना ही ईजी है, बहुत सिंपल है। होर देखो एग्जाम्पल, सपोज़ करो तुसीं 13 नूं मल्टीप्लाई करना 16 दे नाल, ठीक है जी, तुसीं 13 नूं मल्टीप्लाई करना 16 दे नाल। देखो करता असीं दो तरीके दे नाल सकते हैं, बेस 10 मन के भी कर सकते हैं, बेस तुसीं इहनूं 20 मन के भी कर सकते हैं। पहला बेस 10 मन के चलो, ये 10 दे नालों किन्ने ज़्यादा, 3 ज़्यादा, ये 10 दे नालों 6 ज़्यादा। ओके, तो 6 दिए किन्ने होंदे आ, 18, 18 दे तुसीं 8 लगाओगे, 8 लगाओगे, एक कैरी कर लोगे, हासिल मान लोगे, एक हासिल हो जाएगा, 8 लगाओगे, 6 दिए 18, 8 लगाता, एक कर लिया कैरी। ओके, हुण चाहे तुसीं 13 च 6 जोड़ लो तां भी 19, चाहे 16 च 3 जोड़ लो तां भी 19, एक हासिल सी, ये हो गए टोटल 20। सो 208 आंसर आ गया। चाहे तुसीं डायरेक्ट करके देख लो, 16 3 48, 4 16 4 20, तां भी इन्ना ही आंसर आना। सो बहुत ही सिंपलेस्ट मैथड आ। सो बड़े ही ध्यान नाल समझी जायो, सेम क्वेश्चन असीं बेस 20 दे नाल भी करांगे। बेस 20 मन के करो सेम क्वेश्चन। सपोज़ करो तुसीं 13 नूं मल्टीप्लाई 16 दे नाल करना, तो की करो, बेस 20 मन लो, बेस 20 मन के चलो, बेस 20 दे नाल भी कर सकते हैं। वो किस तरीके, ये 20 नालों 7 घटिया, ये 20 नालों 20 नालों 4 घटिया, ये 20 नालों 7 घट, ये 20 नालों 4 घट, तो 7 चौके किन्ने होंदे आ, 28, 28 दा 8 लगा लोगे, 2 कर लोगे कैरी, क्योंकि डिजिट आपां सिंगली लिखना इत्थे, क्योंकि 1 0 आ रही है, क्योंकि बेस 20 मन्निया होया आपां। हुण चाहे तुसीं 13 चों 4 घटा लो, चाहे तुसीं 16 चों 7 घटा लो, रहने 9 ही आ, ठीक है जी, रहने 9 ही आ, रहने 9 ही आ, 13 चों चाहे 4 घटा लो तां भी 9, 16 चों चाहे 7 घटा लो तां भी 9। बट एक चीज़ का ख्याल रखना, क्योंकि बेस 20 आ, जे तुहाड़े कोल 9 आ रहा 13 चों 4 घटा के, उस 9 नूं 2 दे नाल गुणा भी करनी है, 9 दूनी किन्ने हुंदे आ, 18। मैं फिर रिपीट करा, जे तो बेस 10 आ, फिर तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 दे नाल मल्टीप्लाई कीते कोई फर्क नहीं पैंदा। जे बेस 20 आ, तो 2 नाल मल्टीप्लाई करोगे, जे बेस 30 या 3 ना करोगे, बेस 40 या 4 ना करोगे, जे 50 या तां फिर 5 ना मल्टीप्लाई करोगे, एंड सो ऑन। सो 13 चो 4 माइनस करोगे, चाहे 16 चो 7 माइनस करो, 9 आएंगे, 9 नूं क्योंकि बेस 20 या 2 ना मल्टीप्लाई करोगे, 18 आएंगे, 2 कैरी किए हुए, 18 2 किन्ने हो गए, 20, तां भी 208 ही आंसर आया। होर असी एग्जाम्पल लैके करते हैं, होर असी एग्जाम्पल लैके समझण की कोशिश करते हैं ये वाला कॉन्सैप्ट। हाँ जी, सपोज़ करो तुसीं 21 नूं 24 दे नाल मल्टीप्लाई करना। ओके,
तो असी क्योंकि ये 21 ते 24 दोवें ही 20 दे बिल्कुल नेड़े आ, तो की करोगे तुसी 20 नूं तुसी बेस मन्नोगे 21 नूं, मतलब 21 नूं असी 24 दे नाल गुणा करन जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करन जा रहे हैं। ये क्योंकि बिल्कुल 20 दे नेड़े आ, 20 दे नेड़े आ, तो असी इहनूं बेस 20 मन्नांगे। ये 20 दे नालों 1 ज़्यादा, ये 20 दे नालों 4 ज़्यादा, ये 20 दे नालों किन्ने ज़्यादा, 4 ज़्यादा। तो की करोगे, 4 एकम 4 लगा लोगे। ओके, उस तो बाद चाहे 21 4 जोड़ लो, चाहे 24 1 जोड़ लो, रहने 25 आ। ओके, तो बाद विच 2 नाल मल्टीप्लाई करना ना भुलियो, क्योंकि बेस 20 आ। 21 ते 4 25, ते 25 नूं की करोगे, मैं इत्थे लिख के दिखाना। 21 नूं 4 ऐड कीते पहलां, किन्ने हो गए 25। 25 नूं फिर 2 नाल गुणा करना ना भुलियो, किन्ने हो गए 50। किन्ने आ गए 50। तो जे इत्थे कोई कैरी कीता हुंदा, हासिल हुंदा कोई, तो आपां वी ओह वी ऐड करना सी, तो साडे कोल आंसर आ गया 504। सो इस तरीके असीं मल्टीप्लाई कर सकते हाँ, इस तरीके असीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। होर देखते हैं एग्जाम्पल। हाँ जी, एक होर एग्जाम्पल दे नाल समझते हैं। सपोज करो तुसी 33 नूं 37 दे नाल मल्टीप्लाई करना, 33 नूं 37 दे नाल मल्टीप्लाई करना, तो सम दिख रहा ये 30 दे नेड़े है, बिल्कुल 30 दे नेड़े है। 30 नूं असीं बेस मन के चलांगे। ओके, ये 30 नालों 3 ज़्यादा, ये 30 नालों 7 ज़्यादा। तो स्टार्ट करिए, पहला असीं इन्हां नूं मल्टीप्लाई करना। 37 के किन्ने होंगे, 21 21 का 1 लगा लोगे, 2 कर लोगे कैरी। ओके, फिर 33 7 जोड़ोगे, चाहे 37 3 जोड़ लो, 40 आएंगे। फिर 40 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई करोगे, 40 नूं की करोगे 3 दे नाल मल्टीप्लाई करोगे, किन्ने आएंगे 120। 120 च 2 हासिल से साडे कोल, 100 हो गए 22। सो ये आंसर आ जाएगा, ये साडे कोल की आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये साढ़े को आ जाएगा आंसर। कर सकते हैं कुछ होर, आप एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो तुसी 41 नूं 43 ना मल्टीप्लाई करना, तो तुसी इत्थे 40 जड़ा वा वो बेस मान के चलोगे। ये 40 नालों 1 ज़्यादा, ये 40 नालों 3 ज़्यादा, तो 3 एकम 3 डायरेक्ट ही आ जाएगा इत्थे इन्हां नूं मल्टीप्लाई करके। फिर 41 च 3 जोड़ लो, चाहे 43 च ये जोड़ लो, किन्ने आएंगे 44 आएंगे, क्योंकि बेस 40 आ, इन्हों 4 ना गुणा कर लोगे तो वो तुहाडे को आ जाएगा 4 चौके 16 तो 176। सो ये आ जाएगा डायरैक्ट आंसर। इसी तरीके होर देखो, मान लो तुसी 53 नूं 54 ना मल्टीप्लाई करना, तो इन असी हुण इत्थे की आ, इन्हों 50 बेस मान के चलोगे। ये 3 ज़्यादा, ये 4 ज़्यादा, 4 तीके 12 हो गए। 12 का तुसी की करोगे, 2 लगा लोगे, 12 का तुसी 2 लगा लोगे, एक कैरी कर लोगे। 53 ते 4 57 बेस 50 मन्या होया, 5 ना मल्टीप्लाई करोगे इनू, 7 5 35, 3 कैरी कर ले, 5 5 25 25 ते 26 27 28, सो 285। सो ये ताडे कोल आ जाएगा आंसर, यह आ जाएगा साढ़े को आंसर। बट एक कैरी सी, कैरी असी ऐड करना भुल गए, एक कैरी भी ऐड होना। सो 86 एक कैरी भी सी साढ़े कोल, पहले 4 3 12 एक कैरी किया होया सी, 53 ते 4 हो गए 57 असी 5 ना मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बेस 50 सी, फिर असी एक कैरी ऐड किया, साढ़े कोल ये वाला आंसर आ गया। मैं होर एक्सप्लेन करने की कोशिश करदा, फरदर होर एग्जाम्पल दें। होर एग्जाम्पल देखो, सपोज करो तुसी 61 नूं 64 ना मल्टीप्लाई करना, तो की करोगे, ये 60 इनू असी बेस हुण 60 मन्निया होया, बेस किन्ना 60 है, ये 60 नालों 1 ज़्यादा, ये 60 नालों 4 ज़्यादा, मल्टीप्लाई करोगे 4 आ गए, 61 ते 4 65 आ गए। 65 नूं हुण 6 ना मल्टीप्लाई करनी, 65 नूं 6 ना मल्टीप्लाई करनी, जिद्दां कि सिंपल मैं दस्या, तुसी दिमाग के सोचना कि असी 60 नूं 6 ना करनी आ, 60 नूं 6 ना करोगे, 6 6 36 360 आणगे, 5 ज़्यादा सी, 6 5 30, वो 30 बाद विच जोड़ लेने आ, 390 आ जाने आ, 390 ये तुहाडा आ जाएगा आंसर, ये तुहाडा आ जाएगा आंसर। डायरैक्ट करोगे 6 5 30, 3 कैरी, 6 6 36 36 ते 39 तां वी 390 ही आणगे। ब्रेक करोगे वो दिमाग विच ही कर सकते हैं तुसी। सो ये तुहाडे कोल आ जाएगा
आंसर ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 63 ਨੂੰ 64 ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇਹ 60 ਨਾਲੋਂ 3 ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ 60 ਨਾਲੋਂ 4 ਜ਼ਿਆਦਾ, 4 ਤੀਏ 12, ਇੱਕ ਕੈਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਐਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 63 ਅਤੇ 4 67 ਹੋ ਗਏ। ਓਕੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋੜ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ 67 ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ 60 ਆ, ਅਤੇ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ, 7 × 6 = 42, 4 × 6 = 36 ਅਤੇ 40, 7 × 6 = 42, 4 × 6 = 36, 36 × 4 = 40, 402 ਅਤੇ 403 ਹੋ ਗਏ, 403। ਸੋ 63 ਨੂੰ 64 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 40, 32 ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਸ 70 ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਬੇਸ 100 ਵਾਲੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਨਸੈਪਟ ਸੇਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 92 ਨੂੰ 93 ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ 90 ਨਾਲੋਂ 2 ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ 90 ਨਾਲੋਂ 3 ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ 90 ਨੂੰ ਬੇਸ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, 3 ਦੂਣੀ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 6 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓਕੇ 6 ਲਗਾ ਦੋਗੇ, 92 ਅਤੇ 3 95 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 95, 95 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, 9 × 5 = 45, 4 × 9 = 81, 81 ਅਤੇ 4 = 85, 855 ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ 90 ਨੂੰ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਉਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 810, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਸੀ 9 × 81 810, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 9 × 5 = 45 ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ 810 ਅਤੇ 45 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, 855, 855 ਲਗਾ ਦਿਉ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਂਸਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੈਰੀ ਨੂੰ ਐਡ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਸਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 97 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 98 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ 90 ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸ 100 ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਮੈਂ ਬੇਸ 100 ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ, ਇਹ 100 ਨਾਲੋਂ 3 ਘੱਟ, ਇਹ 100 ਨਾਲੋਂ 2 ਘੱਟ, ਅਤੇ 3 ਦੂਣੀ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 6। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੇਸ 100 ਆ, 100 ਆ, ਸੋ 20 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੋ 6 ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, 06 ਲਿਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ 100 ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਬੇਸ ਤੁਸੀਂ 100 ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੇਸ 100 ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ 97 'ਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 98 'ਚੋਂ 3 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਉ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ, 95। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 102 ਨੂੰ 104 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, 100 ਬੇਸ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਬੇਸ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ, ਬੇਸ 100, ਬੇਸ 100 ਆ, ਇਹ 100 ਨੂੰ 2 ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ 100 ਨੂੰ 4 ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ 4 × 2 = 8, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸ 100 ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਫਿਰ 102 4 ਜੋੜੋਗੇ, 106, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਂਸਰ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 107 ਨੂੰ 103 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਫਿਰ 100 ਮੰਨਿਆ, ਬੇਸ ਅਸੀਂ 100 ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ 3 ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ 7 ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੋ ਤੂੰ 21 ਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ 100 ਆ, ਸੋ 2 ਡਿਜਿਟ ਲਓਗੇ, 107 ਅਤੇ 3 110, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਂਸਰ। ਸੋ 107 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, 103 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ, ਸੋ 11 ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30 ਨੂੰ 60 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਟੈਪ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ
10 ले रहे हैं तो की करना, ये 10 नालों 3 ज़्यादा, ये 10 नालों 6 ज़्यादा, तो की करोगे 6 3 18, 18 का 8 लगा लोगे, कैरी कर लोगे, क्योंकि बेस 10 है, 1 0 होने करके 21 डिजिट लगाना, 1 कैरी कर लोगे। ओके, 13 तो 6 18, चाहे 16 3 18 कर लो, 1 19, सो ये आंसर आ जाना। ये असं एक होर मैथड पहले पढ़ चुके हैं, उस तरीके मल्टीप्लाई करके देख सकते सी वो की सी मैथड, पहले तुसी 3 6 ना मल्टीप्लाई करना, 1 कैरी हो गया, 6 3 18, 18 का 8 लगाता, 1 हो गया कैरी, फिर तुसी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होंगी है इस तरीके, 6 हो गए, 1 3 ना किया, 3 हो गए 6, फिर उन्होंने ऐड कर लेना, 6 3 9, 9 तो 1 कैरी सी 10, फिर 1 कैरी हो गया, फिर 1 1 ना करना, 1 कैरी आ तो 2, कुछ गलत कर लिया, 6 3 18, 1 कैरी, 6 3 9, 1 10, 1 2, फिर इधर गलत किया होगा आप कुछ, हाँ 6 3 18, 1 कैरी सी 16 13, तो 6 18, सॉरी 19, हाँ थोड़ा गलत हो गया, 1 कैरी सी 20 हो गई, हाँ ठीक है जी, 13 6 19, 16 3 20, 19 तो 1 कैरी सी 20 हो गए, सो 208। सो ये एक ऐसी मैथड जो हर थान पर एप्लीकेबल है, 3 6 ना किया 8, फिर इन्हों मल्टीप्लाई करके इन्हों ऐड कर लेना, 6 3 9 हो गए, 1 कैरी सी 10, 1 फिर कैरी, 1 1 1, तो 2, ये मैं पार्ट फर्स्ट विच कर चुके हैं, तुसी प्लेलिस्ट देख सकते हो, तुहानू उत्थों ये मैथड मिल जाएगा, होर भी बहुत सारे मैथड है वो असीं अपने पार्ट 3 विच अगले लैक्चर च करांगे। सो जे तुहानू ये लैक्चर पसंद आया होवे तां वीडियो नूं लाइक जरूर करियो, चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करियो, थैंक यू।